राखी ने ये कर दिया, राखी ने वो कर दिया, राखी कंट्रोवर्सी क्वीन बन गई, राखी ने फिर से कंट्रोवर्सी कर दी, या फिर उनके खुद के रिलेशनशिप ही कंट्रोवर्सीज बन गए। अब राखी का एक नया वीडियो सॉन्ग आया है, जिस वीडियो सॉन्ग को अगर आपने नहीं देखा तो आपको देखना चाहिए, क्योंकि राखी का जो काम है इस बार, यानी कि उनकी एक्टिंग आपको बेहद पसंद आएगी। बात करते हैं वीडियो सॉन्ग की। वीडियो सॉन्ग का जो नाम है वो है झूठा। अब आप इसके वीडियो के स्टार्टिंग में ही 10 सेकंड में राखी के सारे स्ट्रगल्स, जेल जाना और थप्पड़ खाना और तो और मीडिया के सवालों का जवाब देना, ये सब आपको नजर आएगा। फिर एक पिंजरे में राखी नजर आई, जहां से उनकी पर्सनल डिस्टर्ब लाइफ को दिखाया गया है, यानी कि बेसिकली आदिल दुरानी और उनके साथ निकाह होना। और वीडियो में इतने अच्छे तरीके से ये दिखाया गया है कि आपका भी मन भीग जाएगा। राखी के पिछले रिलेशनशिप्स की भी बात करेंगे, उनके बिग कॉन्ट्रोवर्सीज की भी बात करेंगे, हर बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो के आखिर तक आप बने रहिए। मेरा नाम है तेजस्वी और मैं मिलूंगी आपको इंस्टा पर भी आरजे तेजस्वी के नाम से। बट प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बढ़ते हैं आगे। वापस आते हैं राखी सावंत के नए म्यूजिक वीडियो झूठा पर। गाने के जो बोल हैं, तेरे प्यार में रो दिया तुझे खो दिया, आप ये देख लेना, क्योंकि राखी सावंत का जो काम है इसमें वो काफी अच्छा है। और हाँ, इससे आप राखी सावंत के स्पेशल कमबैक भी मान सकते हो, क्योंकि राखी इज नाउ घायल शेरनी प्लस कंट्रोवर्सी क्वीन। वैसे क्या आपको पता है, आदिल जो है वो राखी सावंत के फैन थे और दोनों सेट पर ही मिले थे, और उसके बाद आदिल ने राखी सावंत को प्रपोज किया और उन्हें उनकी फेवरेट कार गिफ्ट की, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने राखी सावंत को गिफ्ट की, और जिसके बाद दोनों ने शादी की। और उसके बाद में वाइल द सेम टाइम आदिल वॉज चीटिंग ऑन राखी सावंत, और उसके बाद राखी सावंत और आदिल दोनों अलग हो गए। बट ये गाना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पहले भी राखी सावंत के रिलेशनशिप्स रहे हैं, लिंकअप्स हुए हैं, ब्रेकअप्स हुए हैं, लेकिन कभी गाना नहीं आया। तो ऐसे में जब आदिल दुरानी से वो अलग हुई हैं, तो ये गाना ये मैसेज देता है कि राखी सावंत को असल में प्यार हुआ था और उन्हें इससे इतना ही हर्ट भी हुआ। अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, यानी कि राखी सावंत के सारे रिलेशनशिप जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल रहे। सबसे ज़्यादा जो कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की उन्होंने आदिल दुरानी के टाइम की है। जी हाँ, आदिल दुरानी जो उनके बॉयफ्रेंड रहे और अभी वो एक्स भी बन चुके हैं, जेल, मीडिया का इन्वॉल्वमेंट, और तो और उनकी मम्मी का भी लॉस हुआ इसी टाइम पर। साल 2018 में इंटरनेट सेंसेशन दीपक कलाल से शादी करने के लिए राखी ने क्लेम किया था, लेकिन 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 बात ये हुई कि राखी सावंत ने हनीमून पर लाइव होने की भी बात कर दी, जिससे ये पता चला लोगों को कि ये सिर्फ कॉन्ट्रोवर्सी मेकिंग थी। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि एलिश परजुनवाला, जो कि राखी के स्वयंवर में एज अ कंटेस्टेंट आए थे, उनसे भी शादी करने के लिए राखी ने एंगेजमेंट की, और बाद में राखी ने खुद ही कहा कि उन्होंने ऐसा सिर्फ पैसों के लिए किया था। अभिषेक अवस्थी जो कि कोरियोग्राफर हैं, राखी उनके साथ 3 साल रिलेशनशिप में थी, जिसके बाद अभिषेक अवस्थी ने खुद कहा था ये उनकी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक थी। अब बात कर लेते हैं वीडियो की दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के बारे में, क्यों राखी सावंत को कॉन्ट्रोवर्सी क्वीन कहा जाता है। साल 2006 में सिंगर मीका सिंह ने राखी सावंत को ज़बरदस्ती सेट पर ही किस कर लिया था मीडिया के सामने, जिसके बाद ये एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, और तो और राखी सावंत ने FIR भी फाइल की थी। राखी ने सनी लियोनी को भी बॉलीवुड से बैन करने को कहा था, ये कहकर कि इससे इंडियन यूथ है वो बिगड़ रहा है। और तो और राखी ने कॉफी विद करण के सेट पर ये कबूल किया था कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। वैसे राखी 44 साल की हो गई हैं, और क्या लगता है जितना अच्छा कमबैक उन्होंने इस वीडियो सॉन्ग से किया है, ये कमबैक हमेशा के लिए बना रहेगा या नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही खास अपडेट्स के लिए।